अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल मुगल फ्रॉम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी और आज हाजिर हूं जबरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। अभी रिसेंटली आपने देखी थी माई स्टॉक के वाले से वीडियो, जिसके नाम आपको इलेक्ट्रिक बाइक जो है स्पेशली स्टूडेंट्स के वाले से डिटेल रिव्यू आपने देखा था स्टॉक का। तो आज कंप्लीट डिटेल रिव्यू करेंगे इस प्रोडक्ट का, क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या चेंजिंग की है नए मॉडल्स के, इस वाले से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल्स पे आने वाले जितने भी व्यूअर्स जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के ज़बरदस्त रिव्यूज़ आपको चैनल पे हमारे देखने को मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं रिव्यू की जाने। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कलर स्कीम से। इसमें हमारे पास खूबसूरत किस्म का जो है स्पोर्टी रेड कलर है, इसके साथ पर्ल वाइट कलर स्कीम है, उसके साथ सबसे लास्ट में हमारे पास ग्रे कलर स्कीम में ये जो है नए मॉडल इस टाइम मौजूद हैं। और सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसकी फ्रंट लाइट से, लुक से। तो आप देख सकते हैं फ्रंट के ऊपर खूबसूरत किस्म की लाइट है, जिसके अंदर आपको पार्किंग डियर मिल जाता है, सेंटर में आपको प्रोजेक्शन लैम्प मिल जाता है। इस लाइट की थ्रो भी काफ़ी अच्छी है, रोड के ऊपर लाइट की काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको मिल जाती है। फ्रंट के ऊपर आपको जो है मेटल मटेरियल के अंदर एक स्टोरेज बास्केट मिलती है, जिसके अंदर आप इसका चार्जर कैरी कर सकते हैं या और भी कोई छोटा मोटा सामान कैरी करना चाहें तो ईजिली आप इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। इसके साथ ही बात कर लें इसके टायर की, तो फ्रंट के ऊपर जो इसका टायर साइज़ है 14x2.7-10 है और 10 इंच का रिम है फ्रंट एंड बैक के ऊपर, और ब्रेकिंग सिस्टम फ्रंट पे भी ड्रम ब्रेक है और रियर के ऊपर भी ड्रम ब्रेक की ऑप्शन दी गई है। शॉक सस्पेंशन काफ़ी अच्छी है और दूसरा जो है ये यूनिक किस्म का मॉडल डिज़ाइन किया गया है। इसके जो टर्न सिग्नल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे यूनिक किस्म के बनाए गए हैं। और यहाँ पर सबसे जो इंटरेस्टिंग थिंग है वो इसका जदीद 3-in-1 सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसमें आपको NFC स्मार्ट कार्ड मिल जाता है, रिमोट स्टार्ट मिल जाता है, उसके साथ इग्निशन भी मिल जाता है। तो आप इसको वन बाय वन चेक करवाते हैं। सबसे पहले NFC स्टार्ट, आप इसको इसी के अपने ब्लूटूथ भी इसके अंदर एक्टिव होता है और सबसे मेन चीज़ NFC से आप जो है इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं और इसी की मदद से आप इज़िली इसको ऑफ भी कर सकते हैं, आपको इग्निशन स्विच की बार बार की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और NFC जो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है और ये जदीद जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है उनके अंदर ये फंक्शन आता है, तो इसमें भी ये फंक्शन दिया गया है। सेकंड जो सिक्योरिटी फीचर है इसके साथ जो है इसका रिमोट स्टार्ट है, जिसकी मदद से आप इसको लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं और इसको ईज़िली कीलेस एंट्री से स्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप प्रेस करेंगे तो ईज़िली इसका जो मीटर है वो स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर आपको इसकी जो है इंडिकेशन मिल जाती है, जिसके अंदर इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड आ जाती है, इसके साथ माइलेज की ऑप्शन मिल जाती है, इससे बैटरी इंडिकेशन भी मिल जाती है। आप जो है इसको आपको स्टार्ट करके इसकी जो स्पीड की पावर है वो भी चेक करवाते हैं। ये इसमें फर्स्ट मोड के ऊपर जो इसकी है स्पीड है जो कि अराउंड 30 जा रही है, और इसके बाद जो है सेकेंड वन भी आपको चेक करवाता हूँ। सेकेंड वन जो तकरीबन ये आपको अराउंड 39-40 जाती है। सबसे नंबर 3 पर जो इसका फास्टेस्ट मोड है उसके ऊपर जो है इसकी स्पीड तकरीबन 40-42 तक मैक्सिमम स्पीड जाती है। और यहाँ पे जो है ये इसके राइट साइड असेंबली के अंदर जस्ट आपको इसके स्पीड मोड के ऑप्शन मिल जाते हैं और लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको लाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, टर्न सिग्नल्स का, सबसे लास्ट में आपको हॉर्न की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस मौजूद है, जहाँ पर आप छोटा मोटा कोई स्टोर सामान रखना चाहें तो आप इजीली रख सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने बताया था इसके अंदर तीसरा सिस्टम जो है वो इसका इग्निशन स्विच सिस्टम है, जिसकी मदद से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इसको लॉक अनलॉक जो है वो भी इसी मदद से कर सकते हैं। ये जैसे आप इसके इग्निशन को ऑन करते हैं तो इसके अंदर इंडिकेशन भी आती है कि पावर ऑन है, और दूसरा ब्लूटूथ एक्टिव है, इसके अंदर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके कोई भी आप इसके अंदर जो भी चीज़ लगाना चाहें तो आप ईज़िली इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्ट करके अपनी जो है मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसके फ्लोर के अंदर इसकी बैटरी इंस्टॉल्ड है, और जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर 4 बैटरी हैं जो कि 12 वोल्ट 20 एम्पीयर की एक बैटरी है, टोटल 4 बैटरी हैं जो कि टोटल 48 वोल्ट 20 एम्पीयर बनता है। और ये नए मॉडल के अंदर नई अपग्रेडेशन यही है कि इसके अंदर आपको बैटरी पावर ज़्यादा मिलती है और माइलेज भी तकरीबन आपको 50-55 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मिलती है। इसके साथ ही जो इसका आप देखें फ्रेम सस्पेंशन भी, तो काफ़ी अच्छी किस्म की इसके जो अंदर फ्रेम सस्पेंशन यूज़ की गई है, सॉलिड किस्म का फ्रेम यूज़ किया गया है। और इसके साथ नए मॉडल्स के अंदर ये आपको फोल्डेबल जो है राइडिंग फुटरेस्ट मिल जाते हैं, ताकि आप इधर रखना चाहें फ्लोर पे इधर भी आप राइड कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा बंदा है तो वो ईज़िली दोनों साइड का फुटरेस्ट ओपन करके रख सकता है, तो उससे आपको ज़्यादा एक अच्छी कम्फर्ट मिल जाती है। और दूसरा जैसा कि इसमें पैडल की भी ऑप्शन मौजूद है, तो इन केस आपको पता नहीं लगता कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं है तो आप पैडल की मदद से भी इजीली इसको जो है अपनी राइड एंजॉय कर सकते हैं
और इमरजेंसी के तौर पे एज अ बैकअप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेहत और बचत दोनों साथ साथ है इसमें। इसके साथ ही बढ़ते हैं, इसकी आपको चेक करवाते हैं मोटर, और मोटर पावर के बारे में डिस्कस करें तो इसकी जो मोटर पावर है वो 350 वाट है, 350 वाट की इसके अंदर पावरफुल मोटर आती है। और स्पीड आपको मैंने वैसे चेक करवाई भी, दोबारा से भी इसकी आपको इस तरह चला के भी चेक करवा देते हैं। बाकी जो है टेस्ट राइड भी इंक्लूड होगी उसमें भी, आप टेस्ट राइड में भी देख सकते हैं कि ये बड़ा बंदा भी इसको चलाना चाहे ईजिली इसको चला सकता है। नए मॉडल के अंदर आप देख सकें तो पीछे पिलियन राइडर के लिए काफ़ी अच्छे फुटरेस्ट दिए गए, ऊपर इसके प्लास्टिक कवर भी लगा हुआ है, और शॉक सस्पेंशन भी नए मॉडल के अंदर काफ़ी अच्छे हैवी किस्म के लगाए गए हैं, और बैक जो फेंडर है ये भी काफ़ी यूनिक किस्म का डिज़ाइन किया गया है। रियर पस पिलियन राइडर्स के लिए देखें तो ये भी काफ़ी अच्छी सॉफ्ट किस्म की, राइडर की जो सीट है वो काफ़ी वाइड है, बाकी पिलियन राइडर छोटा बच्चा के लिए भी अच्छी ये सीट डिज़ाइन की गई है, इसके ऊपर ईजिली बच्चा बैठ सकता है। और दूसरा जो इसका ब्रेक लैंप है वो भी काफ़ी अच्छा किस्म का है, जैसे आप इसकी मेन लाइट ऑन करते हैं तो आपको इसका ब्रेक लैंप जो है वो अच्छा किस्म का नज़र आता है। इसके साथ जो है टर्न सिग्नल्स भी काफ़ी यूनिक किस्म के डिज़ाइन किए गए हैं। ये बैक रेस्ट है जो कि पिलियन राइडर को एक अच्छी सपोर्ट देता है ड्यूरिंग राइड। तो जी, और ये इसका चार्जर है, ये भी आपको लगा के चेक करवा देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि एक एक चीज़ आपको डीपली डिस्कस किया जाए। तो ये इसका चार्जर है और यहाँ पर आपको प्रॉपर इंडिकेशन मिल जाती है, जैसे 20, 40, 60, 80 एंड 100। जैसे आपका चार्जिंग फुल होगी तो 100 के ऊपर ग्रीन लाइट हो जाएगी और ये चार्जर जो है ना आपका बंद हो जाएगा। तो इसमें जस्ट एहतियात है कि कोई भी आप इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को आप चार्जिंग पे लगाएं तो इसलिए ईज़िली जब भी चार्ज हो जाए तो इसको आप ईज़िली चार्जर से उतार दें, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा इशू आता है वोल्टेज के हवाले से। तो उसमें बेहतर यही है कि अपने सामने कोई भी बाइक या स्कूटर चार्ज करना चाह रहे हैं तो जैसे चार्जिंग फुल हो तो उसको लाजमी चार्जिंग से हटा दें। जैसे कि अब ये चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो गई है और इसके साथ इसका जो कूलिंग फ़ैन है वो भी काम कर रहा है, ताकि ये जो है फ़ैन लगाने का मकसद ये होता है कि चार्जर हीट अप ना हो। तो अभी ये इसकी जो है चार्जिंग तकरीबन ऑलमोस्ट 40% है। तो जैसे जैसे ये फुल होगी 60, 80, 100 पे जाएगी तो उसके बाद जो है ईज़िली ये फुल हो जाएगी और 100 पे जाके ये लाइट ग्रीन हो जाएगी, तो आप ईज़िली इसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो जी, और ये था आज का रिव्यू जिसके अंदर आपको ये खूबसूरत इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में कंप्लीट डिटेल बताई है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये बाइक हैं, स्पेशली स्कूल गोइंग स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, या आप कहीं भी डेली कम्यूटिंग कर रहे हैं, कोई भी आपकी विद इन सिटी ट्रैवलिंग है उसके लिए बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और कम प्राइस रेंज के अंदर लोग हमें कह रहे थे कि स्कूटर लेके आएँ, तो ये कम प्राइस रेंज के अंदर बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और इस मॉडल के अंदर जैसे आपको मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंजिंग की, और सबसे मेन जो चीज़ थी हमारा टारगेट ये था कि इसकी जो माइलेज है वो बढ़ाई जाए, तो उस वाले से हमने इसके अंदर बैटरी ज़्यादा इंप्रूव करा दी है, जो कि 48 वाट और 20 एम्पीयर की बैटरी है और अच्छी माइलेज आपको देती है। क्या कहना है इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारा आउटलेट न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी मेन मरी रोड वारिस खान स्टॉप पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी बाय करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और प्राइस की भी बात कर रहे हैं, इस मॉडल की जो प्राइस है 120,000 रुपये है, और डिलीवरी सर्विस हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान मौजूद होती है। आप किसी भी सिटी से देख रहे हैं तो आप बाय करना चाहते हैं इजीली आप डिलीवर भी करा सकते हैं। सबसे अहम चीज़ हमारा जो जितने भी अदर सोशल मीडिया लिंक्स हैं, स्पेशली फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आईडी, वो डिस्क्रिप्शन मौजूद होता है, उसको भी लाइक एंड फॉलो करने मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही फैसल मुगल को इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।